मंत्री का शक्ल प्यारा नहीं होता है, काम प्यारा होता है। ठीक है दोस्तों, आइए बिहार का जो मंत्री है ना, भोसड़ी को जूता से मारना चाहिए साले को, काम करता नहीं है। बिहार में चला मुख्यमंत्री बनने थे, ओ क्या कहता है, उप मुख्यमंत्री बनने चला है। तुमको पता है बिहार में काम काज कैसे किया जाता है? साला तुम्हारे घर में पैसा निकल आए थे, किसी ने तुमको पकड़ा भी नहीं। मनीष कश्यप के घर में वो उसको ईमानदारी के कमाई है तो उसको जेल में बंद करवाइएगा, बैंक सीज करवाइएगा, उसे घर से सामान उठवा लिया है ना। चला तुमको जूता से मारना चाहिए, जूता से। तुमको मतलब मंत्री बनने का कोई पूरा सपना पूरा हो जाएगा। तुमको क्यों उस मनीष कश्यप को जेल में बंद करवाया है? क्यों उसको ऊपर NSA लगवाया है? हैं, क्यों उसको ऊपर NSA लगवाया है? तुमको पता है NSA का मतलब क्या होता है? चला तो है तो अंगूठा छाप और NSA लगवा दिया है। NSA का मतलब पता है, राष्ट्र का जो दुश्मन होता है ना, उसके ऊपर यही अति NSA लगाया जाता है। तो क्यों NSA लगवा दिया है बताओ? हैं, तुमको पता है जो क्या कहते हैं मनीष कश्यप को, तुमको पता नहीं कि कितना अच्छा पत्रकार है, लोगों का भलाई दिखाता है, और तुमको गांड धोने आता नहीं है, चल गया मंत्री बनने। तुमको मनीष कश्यप ने आकाशवाणी कर दिया है ना, तो वही होगा जो तुम्हारा इस बार। तो 2024 में मंत्री बनने का सपना तो पूरा हो ही गया, तुम्हारा उखाड़ फेंकेगा बिहार का जनता, ये बात ध्यान रखना तेजस्वी यादव। ठीक है, और जो है ना क्या कहते हैं, उसको जितना जल्दी हो सके तो उसको बाहर निकलवाने का कोशिश कीजिए, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा अंजाम होगा। ठीक है, बिहार का जनता बदल चुका है, बदलता बिहार है, ये स्वतंत्र देश है, हमारे बोलने का आज़ादी है। ठीक है, तुम नहीं रोक सकते हैं, ठीक है, बिहार की जनता को रोक नहीं सकते, अच्छाई को तुम आँख बंद कर नहीं सकते, अच्छाई को जाँच नहीं सकते हो, ये हमारा बोलने का फर्ज है। ठीक है, ये आप हमारे आवाज़ को दबा नहीं सकते हो। ठीक है, हम बताना चाहते हैं मनीष कश्यप को रिहा जल्द से जल्द करवाना चाहिए, आपको उसके ऊपर जो NSA लगवाए हो ना, उसके ऊपर हटना चाहिए NSA। ठीक है, उसके बाद तुम जो मर्जी करो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहा। ठीक है, आप बिहार के बिहारी वासियों, ये बात ध्यान रखिए, ये मनीष कश्यप ऐसा पत्रकार है, इसके जैसा पत्रकार कोई मीडिया भी नहीं है। पत्रकार को यूट्यूबर को मीडिया किसने बनाया है? बिहार की जनता ने बनाया है, पब्लिक ने बनाया है, तो वो कैसे मीडिया वाला बन गया अब बताइए? और क्या कहते हैं, जो बिहार का जो सच्चे पत्रकार है, सच्चे यूट्यूबर है, जो अच्छाई दिखाता है, रोड के मामले में दिखाता है, भ्रष्टाचार के मामले में दिखाता है, तो वो गलत हो गया है। लेकिन ऐसा बिहार की जनता होने नहीं देगा। ठीक है, लेकिन आपको ईंट से ईंट बजा देंगे 2024 में जो चुनाव आ रहे हैं ना, उखाड़ के फेंक उठाएंगे, जूता से मारेंगे बिहार की जनता, बिहार सरकार को। ठीक है, ये बिहार की जनता के बता दिया। अब मनीष कश्यप जो आकाशवाणी किया है ना, वो आकाशवाणी है, वो सच निकलेगा, 2024 में उखाड़ फेंकेंगे तेजस्वी यादव को, सरकार को। दोस्तों, अगर मनीष कश्यप को चाहते हो तो आई सपोर्ट मनीष कश्यप जरूर कमेंट करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर तू बिहार में अगर क्या कहते हैं इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगवाया होता तो बिहार की जनता इधर उधर जाके भटकता नहीं, दूसरे शहर में जाके काम करता नहीं, तुम्हारे वजह से पूरा बिहार के आदमी इधर से उधर भागने का कोशिश करता है। ठीक है, और तुम्हारा ये स्वतंत्र देश है, हमारी बोलने का आज़ादी है, हमारी आवाज़ को तुम दबा नहीं सकते हो, पत्रकार के आवाज़ को दबा नहीं सकते हो, यूट्यूबर के आवाज़ को दबा नहीं सकते हो। ठीक है, जो अच्छाई करता है, जो अच्छाई दिखाता है, उसके साथ बिहार खड़ा रहता है, पूरा बिहार का पूरा देश खड़ा रहेगा। ठीक है, हम भी उसके साथ खड़ा रहेंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे, पूरा बिहार सपोर्ट करता है। देखते हो तुम्हारे अंदर कितने दम है, तो कितने आदमी को तू अंदर करवा सकता है, कितने आदमी को, कितने बिहार, कितने देशवासियों के ऊपर NSA लगाता है। हम जेल जाने के तैयार करें। ठीक है, तुम्हारे दम है, तुम्हारे अंदर दम है, तो जितना लोग आवाज़ उठाया उसको अंदर करके दिखा। इससे पहले जो तमिलनाडु हिंसा में जो बताया गया, जो सबसे पहले वीडियो का प्रचार किया है, उसको पहले उसके ऊपर तुमको FIR करना चाहिए ना। इसके लिए तो तुम्हारे गारे फट गया है, तुम क्यों नहीं पहले बड़े बड़े पत्रकार के ऊपर, जो फर्स्ट में नीतीश सरकार ने ट्वीट किया था, ये बिहारी वासियों का तमिलनाडु में वो विरोध किया जाता है, मारा जाता है, बिहारियों का भगा अत्याचार होता है, तुम्हारे पहले नीति सरकार ने किया है ना, तो उसके ऊपर NSA लगना चाहिए कि ना लगना चाहिए? क्यों नहीं लगा? उसे तो क्या कहते हैं, 10 से 20 साल में अरबपति बन गया ये लालू यादव के घर परिवार। क्यों इसला, एक तो गरीब घर से आता था वो, पिछले उसका लालू यादव के दादा परदादा वो गरीब घर से आता था, तो आज अरबपति कैसे बन गया? ये मी आज क्या कहते, रोड पर फेंका हुआ था जो उठा लिया,
बिहार वासियों को क्या कहता है, बिहारियों को दर दर ठोकर खाना पाता है। किसके वजह से? ये लालू परिवार के वजह से, ये गलत नेताओं की वजह से, ये बिहार की जनता गलत नेता गलत चुन लेता है इसके वजह से। और वो जाति जाति जत करने के बात करता है ना बार बार, वो मन तो करता है ठू कर दो उसके देह पे साला। वो काम करता बिहार के बारे में सोचता है, रोजगार के बारे में सोचता नहीं है। 12-15 करोड़ की आबादी बिहार में है, एक डेढ़ लाख आदमी को काम देगा तो उसके घर बाकी आदमी क्या करेगा, हलवा छीलेगा? बताइए, उसको काम देना चाहिए, देना चाहिए, जूता से मारना चाहिए जो बिहार सरकार जो उल्टा उल्टा सीधा काम करता है, जो अच्छाई दिखाता है उसके बारे में FIR करवाता है, NSG लगवाता है। NSG चला, इतना बड़ा आतंकवादी हो गया मनीष कश्यप, उसके ऊपर लगवा दे ये NSC। साला खुद के घर में चोर चुहार के घर का आदमी है और उसके ऊपर NSC लगना चाहिए। लालू परिवार के घर में NSC लगना चाहिए, हर एक आदमी के ऊपर NSC लगना चाहिए, लालू परिवार के घर के सदस्य को। इसके ऊपर लगता नहीं है, ये एक एक मजबूर और लाचार आदमी को जो एक क्रांति उभर के आया है बिहार को, बिहार की जनता को सच्चाई दिखाता है, उसको FIR करवाता है। बताइए ये एक एक, एक कहाँ का सही है साला? क्या कहता है, जूता से मारना चाहिए ये ऐसे सरकार को जूता से मारना चाहिए साला। उसको काम करने का ढंग नहीं है, चला है उप मुख्यमंत्री बनने, जूता से मैं बिहार की जनता एक भी वोट नहीं दूंगा, ये जूता देख लेना, चला मार के भगाऊंगा, तुम्हारा सीट तुम्हारे कुर्सी से उखाड़ फेंकूंगा, बिहार के मुख्यमंत्री अगले 2024 में बनने नहीं दूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, ठीक है। अब मनीष कश्यप को चाहने वाले दोस्तों, अगर इस वीडियो से अगर ये वीडियो अगर सही है तो वीडियो में कमेंट करके अपना राय आई सपोर्ट जरूर कर देना, मनीष कश्यप को सपोर्ट में आई सपोर्ट जरूर कमेंट करना, ठीक है दोस्तों। और लाइक डिसलाइक जरूर करना, क्या मैं मेरा ये प्रयास कैसा रहा मनीष कश्यप सपोर्ट में, और बिहार के बदलता हुआ बिहार के लिए ये वीडियो कैसा है, बिहार के उन भाई से बताना चाहता हूँ, माता पिता से बताना चाहता हूँ, क्या मैंने गलत बोला हूँ जो बिहार के बर्बादी कारण बिहार लालू परिवार के घर के है, बिहार का जो नेता है जो अभी चल रहा है वर्तमान समय में इसका जिम्मेदार ये है, दूसरा तो कोई है ही नहीं है, दूसरा तो राज संभालता नहीं है, क्यों ऐसा काम किया जो बिहारियों को दर दर दूसरे शहर में जाना पड़ता है, दिल्ली पंजाब मुंबई कलकत्ता कहाँ नहीं जाता है बिहार के लोग, पर वहाँ के लोग बिहार में क्यों नहीं आता है काम करने, वहाँ पे तो काम है ही नहीं, वहाँ पे बाढ़ उखाड़ नहीं आएगा, ये किसके वजह से ऐसा हुआ है? ये लालू प्रसाद के वजह से हुआ है और उसके परिवार के वजह से, जो परिवारवादी नेता बनता है मुख्यमंत्री बनता है, उसका माँ बनाए बेटा बनाए बाप बनाए सारा सब मुख्यमंत्री बनता है, जो उसमें भी सब अनपढ़ है, सारा अंगूठा छाप सब है, उसे बड़े बड़े पढ़ा लिखा था सला, वो भैंस चढ़ा रहा है और सला जो भैंस चढ़ाने वाला आदमी है वो मुख्यमंत्री बन गया है, ये कहाँ का सही है? बिहारी वासियों जाग जाओ, जातिवाद में नहीं रहना है, ठीक है। इस बार 23वीं सरकार को उखाड़ के फेंकना है, बिहार सरकार को उखाड़ के फेंकना है, बिहार में वर्तमान समय में जो भी सरकार चल रही है उसको उखाड़ फेंकना है, ये किसी काम का नहीं है, एक भी काम नहीं किया है, क्या बिहार में क्या किया है अब तक? अगर बिहार में कुछ किया होता बिहार की जनता अपने बिहार में होता, दूसरे शहर में दर दर ठोकने खाने नहीं जाता। मिलते अगले वीडियो में, जय हिंद।